नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या एक नया टॉपिक में आपको क्या मिलेगा, पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक। क्या पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या एग्जाम के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्या एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं क्या कि पदार्थ का नाम दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक बताइएगा कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना टाइम खर्च करे हुए। क्या आपके पास सबसे पहले क्या पदार्थ आएगा, वायु। क्या आएगी आपके पास नंबर एक पर, क्या वायु। तो वायु का अगर आप हम अपवर्तनांक देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.003। कितना आएगा आपके पास वायु का अपवर्तनांक, कितना कह सकते हैं हम, 1.003। अब आपके पास क्या, अब आपके पास जल। क्या आएगा आपके पास अब जल। तो अगर अब हम जल का अपवर्तनांक देखेंगे, क्या जल का अपवर्तनांक देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.33। कितना आएगा, 1.33। अब आपका थर्ड नंबर पर यानी कि तीसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, एल्कोहल। क्या आएगा, एल्कोहल। आपके पास तीसरे नंबर पर एल्कोहल है, तो अगर आप इसका अपवर्तनांक देखेंगे तो कितना आएगा, 1.36। कितना आएगा एल्कोहल का, 1.36। अब आपके पास फोर नंबर पर आएगा क्या, आपके पास फोर नंबर पर आएगा क्या, केरोसिन। आपके पास फोर नंबर पर पूछेंगे क्या, केरोसिन। तो अब हम क्या, केरोसिन का आपके पास क्या रहेगा, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना रहेगा, 1.44। क्या 1.44। अब आपके पास क्या फाइव नंबर पर, अगर हम फाइव नंबर पर देखना चाहें तो क्या आएगा, तारपीन। क्या आएगा, तारपीन, तारपीन का तेल। क्या तारपीन का तेल का अपवर्तनांक क्या होगा, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.48। कितना, 1.48 रहेगा। अब आपके पास सिक्स नंबर पर क्या, अब आपके पास सिक्स नंबर पर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ग्लिसरीन। क्या ग्लिसरीन। अब हम क्या फोर नंबर पर, सिक्स नंबर पर क्या है हमारे पास, ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का अगर हम क्या, अगर हम ग्लिसरीन का अपवर्तनांक देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.47। कितना आएगा, 1.47। यानी कि जे हमारे एक से लेके छह तक के पदार्थ थे, जे हमारे क्या थे, तरल पदार्थ थे। क्या थे हमारे पास, तरल पदार्थ थे। अब अगर हम आगे देखेंगे, क्या आगे अगर हम देखते हैं तो अब आपके पास क्या आएंगे, ठोस पदार्थ। क्या आएंगे, ठोस पदार्थ। क्या आएंगे आपके पास, ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ में सबसे पहले हम किसका देखेंगे, सेवन नंबर पर बर्फ। किसका देखेंगे, बर्फ। तो बर्फ का अगर आप अपवर्तनांक देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1.31। कितना आएगा, 1.31। अब आपके पास एट नंबर पर, क्या एट नंबर पर आप देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ठोस पदार्थ में क्राउन कांच। क्या आएगा आपके पास, क्राउन कांच। तो अगर आप क्राउन कांच का देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1.52। कितना आएगा, 1.52। क्राउन कांच का आपका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.52। अब आप नाइन नंबर पर क्या, अब अगर आप नाइन नंबर पर देखोगे, क्या नाइन नंबर पर देखोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा आपका, फ्लैंट कांच। फ्लैंट कांच। अब आपके पास नाइन नंबर पर क्या है, फ्लैंट कांच। अगर आप फ्लैंट कांच का, क्या फ्लैंट कांच का देखोगे अपवर्तनांक तो कितना आएगा, 1.67। कितना आएगा, 1.67। अब आप आगे देखिएगा क्या, अब आपके पास आगे है क्या, अब आपके पास अगर देखेंगे तो क्या होगा, सौंधा नमक। क्या रहेगा आपके पास टेन नंबर पर, सौंधा नमक। क्या रहेगा आपके पास, सोना नमक। तो सोना नमक का अगर हम देखेंगे तो अपवर्तनांक कितना होगा, 1.54। कितना आएगा, 1.54।
अब आपका अगर 11 नंबर पर आप देखोगे अपवर्तनांक, क्या 11 नंबर का अगर आप पदार्थ देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, माणिक। क्या आएगा आपके पास, माणिक। अगर आप माणिक का अपवर्तनांक देखोगे तो कितना आएगा, 1.76। क्या आएगा आपके पास, 1.76। अब आपके पास आखिरी और 12 नंबर, क्या आखिरी और 12 नंबर, यानी कि आपका हीरा, हीरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डायमंड। तो अब आपका इसे का तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्या हीरा का और एक माणिक का हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपके पास हीरे का कितना आएगा, 2.42। क्या आएगा आपके पास, 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना रहेगा, 2.42। तो आपकी क्या, हमने क्या पढ़ा इस बार, इसमें पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक, क्योंकि इसलिए पढ़ा क्योंकि जे हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जो हमारे पूछे जाते हैं और पता नहीं किस एग्जाम में पूछ ले जाए, क्या किस एग्जाम में पूछ ले जाए, और जे हमारे क्या सब, क्या हमारे सब क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, क्या पदार्थ तथा अपवर्तनांक। अब आपके पास तरल पदार्थ, सबसे पहले क्या हमारे पास 6 तरल पदार्थ हैं और उनके अपवर्तनांक देखेंगे। क्या है आपके पास तरल पदार्थ में, सबसे पहले क्या आएगी, वायु। तो वायु का अपवर्तनांक आप देखोगे तो 1.003 रहेगा, और जल का अगर आप अपवर्तनांक देखोगे तो 1.33 रहेगा। अब अगर आप थर्ड नंबर पर एल्कोहल, अगर एल्कोहल का अपवर्तनांक देखोगे तो 1.36 रहेगा, और केरोसिन यानी केरोसिन का आप देखोगे तो कितना रहेगा, 1.44 रहेगा। और फाइव नंबर पर पारफिन का तेल देखोगे तो इसका अपवर्तनांक कितना रहेगा, 1.48 रहेगा। और सिक्स नंबर पर क्या तरल पदार्थ में, क्या ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन का अगर आप अपवर्तनांक देखोगे तो कितना रहेगा, 1.47। अब आप सेवन नंबर पर देखिए, क्या सेवन नंबर, सिक्स नंबर के बाद सेवन नंबर पर क्या हमारे पास ठोस पदार्थ आ गए, क्या है ठोस पदार्थ आ गए हैं। तो आइए देखिएगा तो क्या होगा आपके पास, बर्फ। तो बर्फ का आपके पास कितना रहेगा, 1.31। और एट नंबर पर आपका क्या रहेगा, क्राउन कांच, क्या क्राउन कांच। तो क्राउन कांच का अगर हम देखेंगे तो 1.52 अपवर्तनांक रहेगा, और फिलेंट कांच का अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, 1.67, क्या 1.67 अपवर्तनांक रहेगा। अब आप देख लीजिए इधर, क्या सोना नमक, क्या सोना नमक का अगर हम अपवर्तनांक देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.52। कितना आएगा, 1.54, कितना 1.54 रहेगा। अब आपके 11 नंबर पर आप देखोगे क्या माणिक, तो माणिक जी हमारे क्या एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे क्या हमें सही से याद करना है, यानी कि माणिक का अपवर्तनांक कितना रहेगा, 1.76। क्लियर दोस्तों। अब आपके पास एंड का यानी आखिरी नंबर का हीरा, तो हीरे का तो सबको पता ही होगा क्या हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करवाना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए आए हो हमारे इस चैनल पर तो आप क्या लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो, बिल्कुल ही तरह से नए हो, तो आप हमसे क्या जुड़ जाइए, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।